आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सी भंडारे जैसी आलू की सब्जी, बहुत ही शानदार और बनाने में उतना ही आसान। जिसके लिए मैंने 1.5 किलो आलू, 100 ग्राम वटाना, 1 गाजर मीडियम साइज के इस्तेमाल की हूँ और 3 से 4 जो है मैंने हरी मिर्ची ले ली, 2 मीडियम साइज के प्याज को मैंने कट कर लिया है और 2 टमाटर, आधा टेबल स्पून हल्दी और नमक स्वाद अनुसार ले लिया। अब इन सारी चीज़ों को हमें सिंपली जो है कुकर में डालना है और इसमें हर टमाटर और प्याज भी हम कुकर में डाल देंगे, साथ में हम डाल देंगे अपनी हल्दी और नमक, इसे भी अच्छे से हम मिला लेंगे। अभी मैंने गैस पे नहीं चढ़ाया कुकर, हमने नीचे ही रखा है, सारी सब्जियों को मिला लिया है। 1 से 2 टेबलस्पून हम इसमें तेल भी डाल देंगे और पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब हम गैस पे चढ़ा देंगे अपना कुकर और 2 सीटियों तक मीडियम से स्लो आंच पर हम इसको गला लेंगे। प्याज और टमाटर अपना पानी छोड़ देगा तो ये हमारी सब्जियां जो है वो 2 सीटियों के बाद गल गई है और आपने देखा जो है पानी भी थोड़ा थोड़ा जो है प्याज और टमाटर का निकल आया है। अब इसे तड़का देने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून राई, तो 2 मैंने साबुत इलायची और थोड़ी सी कड़ी पत्ता ले लिया है। तेल में कढ़ाई में हमने तेल चढ़ा दिया है, जीरा सबसे पहले हम डाल देंगे, हल्का सब जीरा ब्राउन हो जाए तब हम इसमें राई डाल देंगे, कड़ी पत्ता, सफ़ेद तिल और लाल मिर्ची अखी साबुत। आपको अगर थोड़ा ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप 1 से 2 लाल मिर्ची को तोड़ के भी डाल सकते हैं। स्लो फ्लेम पर हमें अपने तड़के को जलाना होगा, यानी फ्राई करना होगा, एकदम से जला नहीं देंगे हम, स्लो फ्लेम पर हम इसे अच्छे से भून लेंगे। 1 से 2 मिनट पर बहुत अच्छी जब खुशबू आने लग जाए तड़के में से, तब अपनी उबली हुई सब्जी जो है वो उस तड़के में शामिल कर देंगे। आपने देखा लाल मिर्ची का कलर जो है वो अच्छे से चेंज हो गया है। इस पॉइंट पर अपनी सब्जियों को इसमें शामिल कर देके हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे हाई फ्लेम पर। जब हम तड़के में सब्जियां डालते हैं तो ज़्यादा नहीं भूनना रहता है, जितनी कंसिस्टेंसी आपको पानी की चाहिए, अगर आपको पतली चाहिए तब इस पॉइंट पर आधा गिलास पानी डालकर हाई फ्लेम पर पका सकते हैं और अगर नहीं चाहिए तो बस इसी तरीके से भून सकते हैं। ऊपर से कोथमीर डाल दीजिए, कोथमीर का फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और उसके बाद इसे पूरियों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। राइस भी अच्छा लगता है, जो भी आपको पसंद है, अचार दही सबके कॉम्बिनेशन से ये सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।